मैं आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ और ऐसे ही मैं आप सभी के बीच आता रहूँगा। तो जो 11th के न्यू स्टूडेंट हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे पास में ऑनलाइन केमिस्ट्री ऑनलाइन मतलब क्लास अभी तक नहीं मतलब ऑनलाइन एडमिशन अभी तक जो नहीं ले पाए हैं, तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6204065581 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 8709588567, ये दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है। आप इस नंबर पर संपर्क करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो और जो 11th के न्यू स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप अपने चैनल को हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए अपने मोबाइल में, ताकि इस प्रकार की चाहे जितनी भी वीडियो हो अगर अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपके पास जा सके। मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आज मैं 11th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। बस 11th केमिस्ट्री क्लासेस पहले ऊपर में लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री क्लासेस में चलता है। मेरा हमारे यहाँ 11th 12th प्लस BSc सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 का भी एडमिशन चालू है। मतलब हमारे पास में इंटर प्लस BSc तक का हमारे पास में क्लास हमारे यहाँ क्लास चलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भी कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, चाहे इंटर को या ग्रेजुएशन को एडमिशन आप लोग हमारे यहाँ ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं समझाया जाता है, आप लोग बस देखिए किस प्रकार से पढ़ाई हम कराते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। केमिस्ट्री क्लासेस मेरा केमिस्ट्री क्लास ऊपर लिखा हुआ है, नीचे है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, मतलब कि 11th क्लास का चैप्टर 1। तो इस चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर 1 जो है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसका नाम जो है उसका हिंदी इसका हिंदी होता है मूलभूत की अवधारणा है। तो इसका हिंदी जो होता है, तो आज हम इसके हिंदी के अंदर में इसके चैप्टर के अंदर में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कम्बाइनेशन। तो लॉ ऑफ कम्बाइनेशन इसका हिंदी होता है रासायनिक संयोग का नियम। तो लॉ ऑफ कम्बाइनेशन का हिंदी क्या होता है, रासायनिक संयोग का नियम। तो आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोग का नियम हम किसे कहते हैं। जब कोई क्या बोल रहा है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होने के लिए जिन नियम का पालन करती है, मतलब क्या रासायनिक अभिक्रिया जिन नियम का पालन करती है, तो हम उस नियम को दोबारा लिख देना, हम उस नियम को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। क्या है, हम उस नियम को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो आप इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं, जैसे रासायनिक संयोग का नियम समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा रिएक्शन भी मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस डबल ऑक्सीजन इसमें है, इससे हम रिएक्शन करके H2O जल बनाए। तो जो कि जो इनसे जो रिएक्शन करके जो जल जो बना है, यहाँ पर रिएक्शन जो यहाँ पर हो रहा है, तो इनके रिएक्शन करने वजह यहाँ पर जल जो बना है, तो जो रिएक्शन जो हो रहा है, तो यही रिएक्शन जो हो चुका है जो हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम। जो हो चुका है उसे रासायनिक संयोग का नियम हम कहते हैं। तो आप इसको आराम से आप इनको लिख सकते हैं, और इनको आप लिखिए, ऊपर मैं मिटाता हूँ, क्योंकि फिर आगे हम लोग को और पढ़ना हम लोग को है, क्योंकि रासायनिक संयोग का नियम कितना प्रकार का होता है हम बताते हैं। रासायनिक संयोग का नियम 5 प्रकार का होता है, लेकिन मतलब उसको डिटेल्स में मतलब एक तरफ से हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए हम लोग आगे इसको मिटाते हैं। देखिए पहले फर्स्ट बात यह है, देखिए आप लोग, रासायनिक संयोग का नियम
प्रकार का होता है। होता है क्या है? रासायनिक संयोग का नियम कितना पांच प्रकार का होता है। पहला कौन सा नियम है? ये क्या है? पहला नियम मेरा क्या है? रासायनिक संरक्षण, रासायनिक पहला नियम मेरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम मेरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको या लिख सकते अथवा लिख सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं पदार्थ की अविवास्ता का नियम। तो आप इनको बोल सकते हैं। तो अब हम इनको चलते हैं, आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझे? इसे इंग्लिश में क्या होते हैं? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोग याद रखिएगा, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास इसे इंग्लिश में बोलते हैं। चलो इसको हम लिखते हैं, इसको हम मिटाते हैं अब हम, क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ना हम लोग को है। अब हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण, मतलब मान लिया द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण का परिभाषा लिख लेंगे पहले। तो अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का परिभाषा लिखने के लिए पहले जो है द्रव्यमान संरक्षण को समझने के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पहले एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को याद रखना पड़ेगा। तो आप इस बात को सोच लीजिए, मैंने आपको यह बात क्यों बोला, जैसे कि आप मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सुनिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सोडियम, सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या? आप लोग को अगर जिसको पता हो तो वो कमेंट करके जरूर बताना, हमें पता हमें है, हम लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना है ताकि हम आगे बढ़ेंगे। आज जिस स्टूडेंट को अगर पता ना हो तो बोलिएगा कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर सर किस प्रकार से हम याद करेंगे, हमको कोई ट्रिक बताइए, तो हम आपको अच्छा सा ट्रिक बता देंगे ताकि आपको पूरा आवर्त सारणी आपको याद आपको आ जाएगा, पूरा आपको एलिमेंट्स आपकी जुबान पर आपके याद रहेगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो मान लीजिए सोडियम, सोडियम तो सोडियम जो होता है इसका 11 होता है, इसका 23 होता है, 21 लिख दिया हम, सॉरी 23 होता है इसका। तो 11 जो 11 और 23 होता है, इस प्रकार से मान लीजिए ऑक्सीजन इसका 8 16 होता है, मान लीजिए नाइट्रोजन, ये रुकिए सॉरी, मान लीजिए नाइट्रोजन का 7 14 होता है। तो इस प्रकार की जितनी भी एलिमेंट्स है सारा एलिमेंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद में आगे आप जो है मतलब आगे आप बना पाएंगे, आगे आप समझ पाएंगे। तो फिर आगे हम चलते हैं इसका परिभाषा, द्रव्यमान संरक्षण का परिभाषा। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अब देखिए बात नहीं, यहाँ जब यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर जो है क्या है, NaCl है, और ये क्या आपका है NaCl प्लस AgCl है, यहाँ पर ये क्या आपका है NaCl है यहाँ पर, और ये प्लस क्या है
AgCl है यहाँ पर, है ना जी। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन क्या करेगा, ये AgCl, AgCl प्लस NaNO3 बनेगा ये AgCl। रुकिए रिएक्शन थोड़ा गलत हो गया, रुकिए हमने तो रिएक्शन ही थोड़ा हमने गलत लिख दिया, हमने समझ रहे हैं ना, रुकिए क्या होगा, NaCl प्लस AgNO3, तो ये रिएक्शन होगा। इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं Na, रुकिए Ag, अब देखिए पहले इसको हम लिए और Ag ये क्या लिए, AgCl प्लस ये क्या ले लिया, फिर Na NaNO3। तो ये रिएक्शन मेरा बनकर कंप्लीट मेरा हो गया, समझ रहे हैं। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस कर गए थे हम, समझ रहे हैं, आप लोग माफ़ कीजिएगा, लिखने में थोड़ा मिस कर गए थे। ये देखिए NaCl प्लस AgNO3, ये फिर इसको अगर रिएक्शन किए यहाँ पर हीट जो किए गर्म किए, तो रिएक्शन जो बना इसका, ये रिएक्शन जो बना, तो फिर जो ये रिएक्शन बना तो इसमें क्या करते हैं, रासायनिक संयोग का नियम करते हैं। लेकिन रासायनिक द्रव्यमान का संरक्षण का नियम को समझने के लिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का आपको मास आपको निकलना पड़ेगा, क्लोरीन का मास जोड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद नाइट्रोजन का, इसका ऑक्सीजन का, फिर आपको मास जोड़ करके, फिर आपको इसका भी मास जोड़िएगा बराबर होगा, और इनका भी जोड़िएगा तो बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब इसको मान लीजिए हमने W1 मान लिए, इसको W2 मान लीजिए और इसको W3 मान लीजिए एग्जांपल में, और इसको W4 मान लीजिए। तो W4 जिसको मान लीजिए, तो फिर यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा W1 प्लस W2 बराबर W3 प्लस W4। तो इसको आप लिख लीजिएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए आप लोग एक मिनट इस रिएक्शन को समझाने के लिए। मतलब जितना इसका मास यहाँ से यहाँ तक में आएगा, उतना मास बनने के बाद भी जो है वही मास यहाँ पर आएगा, कोई हानि नहीं होगा, कोई हानिकारक इसमें नहीं होगा, ना इसमें कोई लाभ होगा ना इसमें कोई हानि होगा, समझ रहे हैं। इस प्रकार का मास जो, इस प्रकार का जो बनता है जो रिएक्शन, उस रिएक्शन पता है वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब द्रव्यमान संरक्षण। आप चलिए अब इसका हम परिभाषा लिखेंगे, आप लोग बस आप लोग इतना सा आप लोग लिख लीजिए, बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक। 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यमान के बराबर होता। आप लोग इसे परिभाषा आप लिख लीजिए कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यमान के बराबर होता है।
मान लीजिए पहले आपको क्या बताए थे, एग्जांपल में आपको हम बताए थे कि एन ए सी एल मतलब ये क्या क्या ले लिए, ये नमक को ले लिए मतलब सोडियम क्लोराइड को ले लिए, प्लस यहाँ पर हम क्या बोले आपको हम एन ए सी एल प्लस यहाँ पर ए जी एन ओ थ्री यहाँ पर ले लिए, फिर इसके साथ हम रिएक्शन मतलब हीट कर दिए उसको, रिएक्शन करेंगे इसको हम, तो ये आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आगे ए ए जी सी एल प्लस एन ए एन ओ थ्री। तो ये रिएक्शन जो बना तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि जितना द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक होगा तो इतना ही द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब जितना द्रव्यमान W1 और W2 का होगा तो उतना द्रव्यमान W3 और W4 का होगा। समझ रहे हैं ना बात को, यही आपको है और कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यमान के बराबर होते हैं, जो अभिक्रिया में क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यमान के बराबर होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके बराबर में ये द्रव्यमान होते हैं और इनके बराबर में ये होते हैं, न ये लाभ होते न ये हानि होते। अब आगे चलते हैं, इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिए एक मिनट, आप लोग देखिए कहीं आप लोग को समझने में त्रुटि अगर आ जाए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आप सभी लोग, हमें आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं और कुछ एक इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को सीखना है, चलते हैं। लेकिन रिएक्शन आपको देखिए, जिसमें कोई लाभ ना हो उसमें कोई हानि भी ना हो, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आज हम केवल द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे। आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है, आपका सॉरी रुकिए, ये आपका बाल्टी गिलास है, मान लीजिए ये दो गिलास है, थोड़ा फिगर बनाने में आप लोग थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, हम इसमें बना दिए, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका Cl है और इसमें क्या आपका है AgNO3 आपका है, और मान लीजिए कि यहां पर जो है ये आपका ये दोनों मतलब बोतल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये इसमें क्या है NaCl है, इसमें क्या है AgNO3 है, और दोनों को अगर मिक्स करेंगे आपस में, क्या करें दोनों को मिलाएंगे तो रिएक्शन बन के क्या रिएक्शन बन के मेरा बनेगा AgCl प्लस NaNO3। क्या मैं मतलब इसको मिलाने के बाद ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन के तैयार मेरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बनाया इस फिगर में, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया बोर्ड पे, इसलिए मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह का फिगर अपने कॉपी में अपने आराम से बना सकते हैं।